डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा में अनुसूचित जाति वर्ग के 761 शोध छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन आज तक फेलोशिप नहीं मिली है। उसी वर्ष क्रमशः 851 और 1236 छात्रों को सारथी और महाज्योति के तहत फेलोशिप दी गई। केवल बाटी के छात्रों को छोड़ दिया गया है। बाटी के सभी पात्र छात्र महाराष्ट्र के सभी कोनों से आते हैं, गरीबी में संघर्ष करना और सीखना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें अक्षम रूप से विलंबित करके केवल उनका शैक्षिक नुकसान किया है। अनुसूचित जाति के छात्रों के प्रति यह गंभीर पूर्वाग्रह क्यों है? ये सवाल आज सदन में प्रदेश के पूर्व मंत्री ने नितिन राउत ने सदन का ध्यान इस ओर खींचा। योग्य छात्रों का फेलोशिप देने के लिए योग्य छात्रों ने वर्ष 2023 में पुणे में बाटी कार्यालय के सामने 110 दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया। फरवरी मार्च 2024 में मुंबई के आजाद मैदान में 60 दिनों तक छात्रों का आंदोलन चला। साथ ही 24 जून 2024 को इन छात्रों ने पुणे के महात्मा फुले वाड़ा से मुंबई की ओर एक और लंबा मार्च शुरू किया। उसी दिन सरकार की ओर से इन छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को चर्चा के लिए बुलाया गया। इसके चलते छात्रों को लॉन्ग मार्च स्थगित करना पड़ा, ऐसा राउत ने कहा। राज्य में बाटी, महाज्योति, सारथी और अमृत जैसे विभिन्न संस्थान कार्यरत है। इन सभी संस्थानों के माध्यम से संबंधित कक्षाओं के छात्रों के लिए मुख्य रूप से अतिरिक्त छात्रवृत्ति, विदेशी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, MPSC, UPSC, बैंकिंग, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रशिक्षण योजनाएं लागू की जाती है। अक्टूबर 2023 में राज्य सरकार ने इन संस्थानों को सुव्यवस्थित करने के नाम पर एक समान नीति बनाने का निर्णय लिया है, लेकिन इस बार डॉक्टर नितिन राउत ने आरोप लगाया है कि बाटी की छात्रवृत्ति योजना में कटौती कर सरकार ने एक बार फिर वंचितों के घाव पर नमक छिड़का है। 25 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मंत्री गिरीश महाजन की मौजूदगी में एक बैठक हुई है। इस बैठक में 8 छात्रों संदीप अखाड़े, तुकाराम शिंदे, ऋषिकोश लबाड़े, तनुजा पंडित, सीमा वानखेड़े, नमिता खरात, दीपक वास्की और प्रवीण गायकवाड़ का प्रतिनिधि मंडल मौजूद था। उक्त बैठक में मुख्यमंत्री ने छात्रों की मांगों को स्वीकार करते हुए सुमन भांगे को कार्रवाई करने का आदेश दिया। जब प्रतिनिधि मंडल ने भांगे से मुलाकात की तो उन्होंने मांग पर सहमति जताई और संबंधित संगठन को कार्रवाई करने का आदेश दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक ऐसा नहीं दिख रहा है कि वास्तव में कोई निर्णय लिया गया हो। ऐसे में छात्रों के लिए शोध का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। फेलोशिप नहीं मिलने के कारण कुछ छात्र होटलों में काम करने को मजबूर है। डॉक्टर नितिन राउत ने मांग की है कि सरकार इस पर तत्काल निर्णय ले और छात्रों को न्याय दे। 2022 साली बाटी ने घेतलेल्या परीक्षेत अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे 761 संशोधक विद्यार्थी पात्र ठरले। अध्यक्ष महोदय, त्यांना हस्तगत आधी छात्रवृत्ती फेलोशिप मिळालेली नाही। त्याच वर्षी सारथी व महाज्योती अंतर्गत अनुक्रमे 851 व 1236 विद्यार्थ्यांना फेलोशिप दिली गेली। फक्त बाटीचे विद्यार्थी वंचित ठेवले गेले आहेत। अध्यक्ष महोदय, सदर फेलोशिप दिली जावी यासाठी पात्र विद्यार्थ्यांनी बाटी कार्यालय पुणे येथे 2023 मध्ये तब्बल 110 दिवस आंदोलन केले। फेब्रुवारी मार्च 2024 मध्ये आझाद मैदान मुंबई येथे 60 दिवस संबंधित पात्र विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले। 24 जून 2024 रोजी महात्मा फुले वाडा पुणे येथून पात्र विद्यार्थ्यांनी मुंबईच्या दिशेने लॉन्ग मार्चला सुरुवात केली। त्या दिवशी पात्र विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाला सरकारने चर्चेसाठी बोलावून घेतले, त्यामुळे लॉन्ग मार्च स्थगित झाला। 25 मार्च 2024 रोजी राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली। या बैठकीत संदीप आकाडे, तुकाराम शिंदे, ऋषिकेश लबडे, तनुजा पंडित, सीमा वानखेडे, नमिता खरात, दीपक वास्के, प्रवीण गायकवाड या 8 विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते। अध्यक्ष महोदय, सदर बैठकीत माननीय मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य करून श्री सुमन भांगे सन्माननीय सचिव यांना कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले। श्री भांगे यांना शिष्टमंडळ भेटले असता त्यांनी मागणी मान्य करत संबंधित संस्थेत कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत, परंतु त्यानंतरही प्रत्यक्षात काही निर्णय झाल्याचे दिसत नाही। अध्यक्ष महोदय, हे सर्व पात्र विद्यार्थी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून येतात, गरिबीच्या परिस्थितीत संघर्ष करीत असतात, परंतु सरकारने केवळ त्यांच्या बाबत अक्षम्य दिरंगाई करत त्यांचे शैक्षणिक नुकसान केले आहे। अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांविषयी हा दुजाभाव गंभीर स्वरूपाचा। अध्यक्ष महोदय, मी आपणास सांगू इच्छेन की राज्य मंत्रिमंडळाने दिनांक 19 ऑक्टोबर 2023 ला बाटी, सारथी, महाज्योती व अमृत या संस्थेच्या कार्यक्रमात
समानता आणणार असं त्या ठिकाणी निर्णय केला. जो निर्णय 30 ऑक्टोबरला लागू झाला तर या 2022 साली बार्टीच्या विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी जे पात्र संशोधक विद्यार्थी होते त्यांची स्कॉलरशिप का थांबवण्यात आली या संबंधी तातडीने कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे म्हणून या ठिकाणी विनंती करतो अध्यक्ष महोदय. कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट.